अगली खबर में बात करते हैं कटनी की, जहां बहरी थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों द्वारा किए गए उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बता दें, बहरी थाना के फॉरेस्ट कॉलोनी क्षेत्र में रिटायर फौजी ऋषि बड़गैया अपनी पत्नी आरती और बच्चों के साथ रहता है। दंपति के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। कुछ देर बाद फौजी अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा। पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। अस्पताल में मौजूद रिटायर फौजी की 14 वर्षीय बेटी ने मां को फांसी पर लटकाने का खुलासा किया। बेटी ने बताया कि रात में पापा मम्मी की लड़ाई हुई थी। पापा ने गुस्से में मम्मी को फांसी पर लटका दिया। जिस समय ये घटना हुई, उस दौरान वह अपने कमरे में सो रही थी। यह सुनकर मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल में रिटायर फौजी से मारपीट कर दी थी। इसी मामले में महिला के पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार को बहरी थाना का घेराव किया, साथ ही सड़क पर जाम लगा दिया था। इसी बीच ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल जाकर PMO राममणि पटेल को चैंबर से बाहर बुलाकर मारपीट की थी। साथ ही पुलिस ने BMO से मारपीट करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ भी शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कर्मचारी से मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत FIR की। MO की शिकायत पर पुलिस ने नामजद कंधी सिंह, पिंटू शर्मा, सोविंद प्रजापति, विमल दुबे, प्रकाश सोनी, प्रिंस तिवारी, अमित गुप्ता, ऋषिराज तिवारी, राजू गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया। थाना के अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। महिला की बच्चियों का कहना है कि उनके पिता के द्वारा उनको मारकर लटकाया गया है। बच्चियों के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई विवेचना में आए हुए तथ्यों के अनुसार की जाएगी। BMO के साथ अगर कोई बदतमीजी हुई है तो BMO भी आगे अगर FIR कराएंगे तो हम बिल्कुल तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।